वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एडवाइज व्यू हाउ यू ऑल आई एम एम डियामिशम्स एंड टुडे आई एम हेयर विद्यू वीडियो ऑफ क्लास एट केमिस्ट्री चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक एंड आवर टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज टाइप्स ऑफ सिंथेथिक फाइबर हम लोग सिंथेथिक फाइबर का टाइप पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिस्टर के बारे में नायलॉन के बारे में और रेॉन के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर लास्ट टू लेक्चर में कवर किया है अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए वो देखिए वीडियो ठीक है अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे पॉलिस्टर के बारे में जो हमारा तीसरा है इस वीडियो में तीसरा मतलब सिंथेटिक फाइबर का तीसरा टाइप है पॉलिस्टर तो आइए देखते हैं पॉलिस्टर हम किसे कहते हैं तो पॉलिस्टर पॉलिस्टर हमारा क्या है इट इज़ ऑल्सो अनदर सिंथेटिक फाइबर पॉलिस्टर हमारा एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है पॉलिस्टर जो है आप नाम से देख सकते हैं इसे आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं अपना कि पॉलिस्टर जहाँ जैसे मैंने आपको पहले दो लेक्चर से मैं बताता हुआ आ रहा हूँ पॉलिस्टर मतलब पॉली मतलब होता है मेनी और ईस्टर क्या है मतलब बहुत सारे ईस्टर ग्रुप से मिल करके क्या है पॉलिस्टर बना है मतलब पॉलिस्टर क्या हो गया कि एक रिपीटिंग यूनिट ऑफ ईस्टर है ईस्टर का रिपीटिंग यूनिट है तो हम कह सकते हैं पॉलिस्टर क्या है पॉलिस्टर मतलब हो गया इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर पॉली प्लस ईस्टर मतलब बहुत सारे ईस्टर ग्रुप मिल करके एक रिपीट एक लार्ज यूनिट बनाया जिसे हम क्या कहा पॉलीस्टर का ठीक है पॉलिस्टर का अब ईस्टर होता क्या है ईस्टर एक मतलब केमिकल केमिकल है जो कि क्या करता है फ्रूट Fruit, फ्रूट्स को उसका स्वीट स्मेल देता है अब जो पॉलिस्टर जो हमारा है इसमें एक टेरेलीन जो है बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर हमारा आता है टेरिलीन टेरिलन हमारा क्या बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पॉलिस्टर जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अब जो पॉप पॉप ये जो पॉलिस्टर जो हमारा है वो क्या है वो नायलॉन ही की तरह ये आता कहाँ से मतलब ये जो मोनोमर स्काई जो बनता है कहाँ से ये नायलॉन की तरह जैसे नायलॉन हमारा पेट्रोकेमिकल से आ रहा था तो ये भी मतलब पेट्रो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से पेट्रोकेमिकल्स जिसे हम कहते हैं वहाँ से आ रहा था तो पॉलिस्टर भी हमारा क्या है पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है और ये नायलॉन की तरह ये भी क्या है ये इसको जब हम ये भी थर्मो है सॉरी थर्मो प्लास्टिक फाइबर है ये ठीक है ये भी क्या होता है जब इसे हम हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है और जो मॉल्टेन हमारे पास जो फाइव पॉलिस्टर हमारे पास जो आता है उसे हम क्या करते हैं स्प्रिनट से गुजार करके क्या होता है उसे थ्रेड में चेंज कर देते हैं और उस थ्रेड को हम बुन करके फैब्रिक्स बनाते हैं स्प्रिनट क्या होता है स्प्रिनट हमने मैंने आपको लास्ट टू लेक्चर में बताया है स्प्रिनट क्या होता है वो क्या एक टाइनी होल सिलेंडरगर सेप का मेटल होता है इसमें क्या टाइनी होल्स होते हैं जिससे क्या जिससे मॉल्टेन इस मतलब पॉलिस्टर को हमने गुजारा उससे थ्रेड निकला और थ्रेड को हमने क्या किया बुन करके फैब्रिक्स

मतलब प्रॉपर्टीज़ उससे मतलब क्या ये स्ट्रॉगर है नायलॉन से भी क्या था? ये था? होता है स्ट्रॉगर होता है पॉलिस्टर हमारा और दूसरा क्या है पॉलिस्टर फाइबर क्या होता है सॉफ्टर दैन नायलॉन मतलब दो ऐसा प्रॉपर्टीज इसका है जो कि हम नायलॉन में हमें पा मिलता है हमें नायलॉन में ऐसा प्रॉपर्टीज़ मिलता है हमें लेकिन नायलॉन से भी ज़्यादा अच्छा हमारा पॉलिस्टर फाइबर है मतलब क्योंकि ये स्ट्रॉगर ज़्यादा है नायलॉन से और सॉफ्टर ज़्यादा है नायलॉन से तो ये हमारे दो प्रॉपर्टीज़ क्या है जो कि हम देखते हैं नायलो नायलॉन फाइबर से पॉलिस्टर ज़्यादा सही है और बाकी सब प्रॉपर्टीज़ है नायलॉन का हमारा वो सिमिलर होता है पॉलिस्टर का मतलब पॉलिस्टर का प्रॉपर्टी जो है वो नायलॉन के सिमिलर होता है जैसे कि हम हमारा ये पॉलिस्टर हमारा क्या होता है रिंकल फ्री होता है मतलब इस पर रिंकल नहीं पड़ता है ये आपको किसी भी मौत हो गया या केमिकल से अटैक नहीं होता है ठीक है ये ईजी टू वॉश एंड वियर मींस इसमें एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर कम होता है ये हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है तो ज़्यादातर हम देखेंगे क्या होगा इसका प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होता है नायलॉन के अब जो पॉलिस्टर फाइबर एक और बात हमने यहाँ पे पॉलिस्टर फाइबर का बात करें तो हमारा जो पॉलिस्टर फाइबर टेली है टेरेली वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो हम यहाँ भी पॉलिस्टर फाइबर का बात करें तो मतलब टेलीलिन का बात कर रहे हैं ठीक है इस चैप्टर में फिलहाल तो अब जो है पॉलिस्टर फाइबर जो है वो हम क्या करते हैं पॉलिस्टर को किसी दूसरे नेचुरल मटेरियल मतलब नेचुरल फाइबर से मिक्स करके हम क्या करते हैं ब्लेंडेड फाइबर बनाते हैं ब्लेंडेड फाइबर मतलब मिक्स किया हुआ फाइबर बनाते हैं जैसे आप देख पाएंगे कि हम लोग क्या करते हैं पॉलिस्टर को हम क्या करते हैं उल के साथ मिला बना मिलाते हैं मिक्स करते हैं उसे हैं तो उसे पॉलीवुल बनता हमारा है और दूसरा हम उसको कॉटन से मिलाते हैं तो हमारा क्या पॉली कॉटन बनता है और इसे हम कॉट बोलेंगे या टेरी टेरीवुल बोलें सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हुआ पॉलीकॉट मतलब पॉलिस्टर प्लस कॉटन ठीक है और मैंने आपको बताया यहाँ पे पॉलिस्टर बात करें मतलब टेरीलिन तो टेरीलिन का क्या हो टेरी प्लस कॉट टेरीलिन और प्लस कॉटन टेरी कॉट ठीक है टिन प्लस टेरी तो इससे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फाइबर जो हमने क्या किया कि पॉलिस्टर को किसी नेचुरल फाइबर से मिला कर करके क्या हुआ एक दूसरा ब्लेंडेड फाइबर बनाया ठीक है जैसे हम लोग देखें पॉली पॉलीकॉट हो गया टेरिकॉट या पॉलीकॉट बोलें टेरिकॉट बोलें पॉलीवल बुल बोलें टे, टेलीवल बुल बोलें टेरीवुल बोलें ये हमारा क्या है कुछ एग्जांपल है हमारा ब्लेंडेड फाइबर का तो ये हमारा हम इस टेप से हमारा ये बनता है हमारा ब्लेंडेड फाइबर अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ पॉलिस्टर पॉलिस्टर यूज कहाँ कहाँ होता है तो सबसे पहले देखें पॉलिस्टर या टेरिलीन पॉलिस्टर या टेरिलीन आर यूज टू मेकिंग फैब्रिक्स फॉर ड्रेसिंग मटेरियल यहाँ पे मैंने जब भी पॉलिस्टर लिखा था मैं टेरिलीन इसलिए लिखा है क्योंकि हम पॉलिस्टर का बात

पॉलीकॉट विलेंडेड फाइबर हमारा ये हम बनाते हैं इससे शर्ट्स बनाते हैं ट्राउजर बनाते हैं और अदर ड्रेसेस बनाते हैं हम पॉलिकॉट के यूज़ करके शर्ट बनाते हैं ड्रेसेस बनाते हैं अदर ड्रेसेज ट्राउजर वगैरह बनाते हैं नेक्स्ट हमारा इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वाटर हाउसेज़ फॉर फायर ऑपरेशन फायर फायर फाइटिंग ऑपरेशन मतलब आग वगैरह बुझाने के लिए जो फायर के लिए जो हम लोग जिससे पानी निकलता है हमारा ये पाइप देख पा रहे ये फायर वाटर हाउसेज़ बोलते इसे में तो इस ये क्या होता है ये भी हमारा पॉलिस्टर का बना होता है नेक्स्ट हमारा इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सेल ऑफ अ सेल बोट ये सेल मतलब ये जो आप देख पा रहे कपड़ा ये वाला जो सेल बोट के ऊपर लगा होता है ये हमें ये भी हमारा पॉलिशर का बना होता है ठीक है हम सक, इसके क्यों बनाते हैं क्योंकि ये पॉलिशर हमारा क्या होता है जैसे को बताया प्रॉपर्टीज़ क्या है इसका है? ये केमिकल से जल्दी अटैक नहीं होता है केमिकल के द्वारा अटैक नहीं होता तो किसी भी मौत वगैरह वगैरह के द्वारा अटैक नहीं हो सकता ये हेवी वियर एंड टीयर है मतलब ये मज़बूत भी है स्ट्रॉगर भी ज़्यादा है ठीक है तो इसलिए हम क्या सेल में यूज़ करते हैं सेल बोट के नेक्स्ट हमारे इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉन्वेयर बेल्ट अभी कॉन्वेयर बेल्टस क्या होता है ये देख पाएंगे आप जगह जाएंगे एयरपोर्ट से मॉल वगैरह में जाएंगे ये बोर्ड जो होता है ये ये बेल्ट जो होता है <coughs> ये क्या होता है इसके ऊपर जब हम कोई ये चलता रहता है मतलब कोई मतलब लगेज वगैरह आपको जाता है मतलब ये इसको पर रख देता है वो क्या आगे बढ़ जाता है ये जो बेल्ट बनता है ये हमारा क्या पॉलिस्टर का होता है ठीक है तो यूज ऑफ पॉलिस्टर हम देख पा रहे हैं कि पॉलिस्टर का हम बहुत जगह यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो पॉलिस्टर जो हमारा है वो नेचुरल फ़ाइबर से सिंथेटिक मतलब जितना भी सिंथेटिक फाइबर हमारा जितना भी अभी तक मैंने पढ़ा हो जितना मैं अगर पढ़ाऊँगा आपको तो जितना भी हमारा नायलॉन हो गया रेयन हो गया पॉलिस्टर हो गया आगे आपका नेक्स्ट एक्रिलिक आएगा ये सब क्या होता है ज़्यादा अच्छा माना जाता है ज़्यादा सूटेबल होता है हमारे नेचुरल मटेरियल नेचुरल फ़ाइबर से जैसे हमारा ऊल हो गया सिल्क हो गया एंड एंड कॉटन हो गया क्योंकि सिंथेटिक फाइबर हमारा ज़्यादा ज़्यादा मजबूत हो जाए स्ट्रॉगर होता है हमारा सिंथेटिक फ़ाइबर के पास ज़्यादा केमिकल वगैरह से अटैक नहीं होता है कि सिंथेटिक फाइबर हमारा क्या होता है ज़्यादा सॉफ्टर होता है सिंथेटिक फाइबर हमारा क्या होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है एक्सट्रीमली फाइन होता है तो इस इस सब वजह से क्या होता है हमारा सिंथेटिक फाइबर आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे क्या नेचुरल फ़ाइबर से अब जो हमारा नेक्स्ट है एक के पेट पेट मतलब होता है क्या पालतू एनिमल्स पालतू जानवर ठीक है तो जैसे कि हमारा डॉग हो गया कैट हो गया ये सब का फर्ज होता है ये सब पॉलिस्टर का बना होता है नहीं ये हम लोग यहाँ पे हम अपने पेट एनिमल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉलिस्टर का एक टाइप है एक एब्रिविएशन है पॉलिस्टर का जिससे हम बोलते हैं इसका फुल फॉर्म होता है पॉली इथिलीन टेरिफलेट ये होता क्या है पेट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर ये हमारा पॉलिस्टर का बहुत एक फैमिलियर फॉर्म है ये क्या है ये एक एब्रीविएशन है सिंथेटिक फाइबर पॉलीथीन टेरीफलेट क्या ये पॉलीइथिलीन टेरीफिथलेट ठीक है एक एप्रिवेशन है सिंथेटिक फाइबर का ये पॉलिस मतलब ये पॉलिस्टर ही है लेकिन ये पॉलिस्टर जो हमारा है वो यूज़ होता है प्लास्टिक बनाने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं बॉटल्स यहाँ पर है यहाँ पे आपके जितना भी कंटेनर वगैरह ज्यादातर देख रहे हैं हर चीज़ क्या पॉली पेट पेट का बना हुआ पी टी पेट का बना हुआ ठीक है पॉली इथिलीन टेरीफेट्लेट तो ये पॉलीथिलीन टेरीफलेट जो है ये क्या है ये आपका कलरलेस होता है ये आप मतलब नेचुरली कलरलेस होता है ये है और ये क्या होता है ये हम गिलास के जगह यूज़ करते हैं इसका शीशा के जगह यूज़ करते हैं इसका कंटेनर बनाते हैं इसको कुछ भी रखने के लिए ये सामान वगैरह जितना भी रखते हैं ना इसमें ज़्यादातर जो हमारा आजकल आ रहा है वो पॉलीएथिलीन इथिलीन टेरीफ्लेट पेट का आ रहा है ये हमारा लॉन्ग लास्टिंग होता है ये नेचुरली हमारा कलरलेस होता है और ये एक मतलब ये ट्रांसपेरेंट बहुत ज़्यादा हाईली ट्रांसपेरेंट होता है मतलब आर पार से साफ दिखता है इसलिए हम जितना भी चीज़ स्टोर करते जाते ज्यादा स्टोर करने के लिए इसे यूज़ करते हैं ऐसे आप देख पा रहे हैं पिपसी वगैरह क्या यूज हो गया कोकोलेस ब्राइट जितना भी हमारा सॉफ्ट ड्रिंक आता है फीस वगैरह और वाटर वगैरह हम इसी में स्टोर करते हैं और जितना भी आप देख पाते हैं बाहर का मतलब आप देख पाते हैं जितना भी स्टोर आता है शैम्पू पैकिंग हो गया या आपका जितना भी पैकेजिंग आप देख पाते हैं ज़्यादातर बॉटल में वो क्या आपका पेट रहता है तो यहाँ से पता चला पेट क्या एक पॉलिस्टर है ठीक है ये क्या पॉलिस्टर है जो कि प्लास्टिक बनाने में यूज़ हो रहा है ठीक है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या है पेट क्या है पॉलिस्टर है जो कि प्लास्टिक बनाने में यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ देख पा रहे हैं पॉलिस्टर क्या है हम प्लास्टिक बनाने के लिए भी यूज कर पा रहे हैं तो ये था हमारा आज का वीडियो यहीं तक के लिए था मैंने इसमें आपको बताया पॉलिस्टर हम किसे कहते हैं और पॉलिस्टर के बाद मैंने बताया कि पॉलिस्टर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है पॉलिस्टर का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है पॉलिस्टर क्यों, क्यों आपको ज़्यादा बेटर है आपको नायलॉन से और सिंथेटिक फाइबर जो हमारा टोटल सिंथेटिक फाइबर है वो क्यों हमारा बेस्ट होता है नेचुरल फ़ाइबर से तो पॉलिस्टर का मैंने बताया एक पेट एक एब्रोशन जिसका पॉली इथिलीन तेरी होता है और ये हमारा यूज होता है प्लास्टिक बनाने के लिए तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक मिलता है पॉलिशर के ऊपर अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा एक्लिक के ऊपर तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड बाय